नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हर साल की तरह राष्ट्रपति भवन की बगिया यानी मुगल गार्डन फिर से खुलने जा रहा है और इस बार ये खुल रहा है कुछ ज्यादा दिनों के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सकें। इस बार ये 31 तारीख से खुलने की बात कही जा रही है। इस बारे में सारी जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन की प्रवक्ता नाविका गुप्ता जी। नाविका जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि ये राष्ट्रपति भवन जो मुगल गार्डन खुल रहा है उसकी डेट्स और टाइमिंग्स क्या क्या है। जी, इस बार राष्ट्रपति भवन के गार्डन हम लोग 2 महीने के लिए खोल रहे हैं, 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जनरल पब्लिक के लिए खुला रहेगा और उसके बाद 4 दिन हम लोगों ने 28 से 31 मार्च के रखे हुए स्पेशल कैटेगरीज के लिए। अच्छा, जिसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक एक दिन रहेगा। उसमें मतलब दिव्यांग भी आ जाएंगे, नेत्र। जी 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 जी। तो इस बार ज्यादा दिन खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? जी, इस बार हम लोगों ने इस एम के साथ उसको ज्यादा दिन खोल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा टाइम के लिए लोग गार्डन्स को देख पाए। अमृत उद्यान अब ये है, सारे गार्डन्स का नाम अमृत उद्यान है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कि राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति जी का ये मानना है कि राष्ट्रपति भवन लोगों का है और आम जनता को इसमें ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। तो मैडम, आपने कहा अमृत उद्यान, तो मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया। अब राष्ट्रपति भवन के जितने भी गार्डन हैं उन सबको मिला के अमृत उद्यान का नाम दे दिया गया है। अमृत उद्यान। अच्छा, ये अमृत उद्यान या मुगल गार्डन अभी क्योंकि नाम चढ़ा हुआ जुबान पर, तो टाइमिंग्स क्या होंगे एंट्री के? जी, इसके हमने एक एक घंटे के स्लॉट्स रखे हैं बुकिंग के, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बुकिंग के एक एक घंटे के 6 स्लॉट्स रहेंगे। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग आए उसके लिए स्लॉट्स की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है, तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। बाकी बिना ऑनलाइन बुकिंग के भी लोग आ सकते हैं, डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वेबसाइट पर, प्रेसिडेंट भवन की वेबसाइट पर जाके बुकिंग करा दें। जी, वो स्टार्ट हो गई है बुकिंग। तो पर घंटे कितने स्लॉट में कितने लोग रखेंगे इस बार? इसमें इस बार कैपेसिटी बढ़ गई है, वो स्लॉट्स के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन 5000 से 7500 तक की कैपेसिटी है जनरली एक एक स्लॉट में। अच्छा 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 जी। ये लास्ट एंट्री जो होगी 4 बजे लास्ट होगी अंदर? हाँ, 4 बजे तक का स्लॉट है, मतलब 5 बजे तक लोग अंदर रह सकते हैं। हाँ, 4 बजे आखिरी आने जी, वाले 4 बजे। हाँ जी जी जी। अच्छा, तो ये छुट्टी किस दिन रहा करेगी या 7 दिन खुलेगा? नहीं, मंडे को छुट्टी रहेगी मेंटेनेंस के लिए और एक होली की छुट्टी रहेगी उसमें, उसके अलावा खुला रहेगा। अच्छा, होली के दिन और हर मंडे को छुट्टी रहेगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कोई नियम वगैरह है अंदर आने के? आदमी जो अंदर आते हैं वो अपने साथ क्या मोबाइल फोन या क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते? जी, इसमें इसकी डिटेल जो है हमने उसमें भी डाली है अपने प्रेस नोट में, लेकिन इस बार मोबाइल फोन्स, हैंडबैग्स, लेडीज के पर्सेस और इलेक्ट्रॉनिक कीज ये सब अलाउ किया है। वाटर बॉटल्स भी ला सकते हैं और बाकी लोगों के, बाकी इस बार अंदर फूड कोर्ट भी रहेगा, तो कुछ लोगों के खाने पीने के लिए इंतजाम किया गया अंदर। अच्छा, खरीद कर खा सकते हैं? जी, खाना खरीद कर खा सकते हैं फूड कोर्ट। जी 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 जी, फूड कोर्ट इस बार है और इस बार अलग अलग जगह पे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं लोगों के लिए। अच्छा। बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब लोग अपनी फोटोज खींच सकते हैं और फोटो खींचना ना भूलें बिल्कुल भी, इसलिए सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं। पानी वगैरह तो फ्री रहेगा पीने का अगर वो नहीं लाते घर से? हाँ हाँ हाँ, पानी का अरेंजमेंट है, पानी का अरेंजमेंट रहेगा और थोड़ा सा ये फर्स्ट एड का, मेडिकल ये सब अरेंजमेंट्स भी रहेंगे और एक छोटे बच्चों के साथ जो लेडीज आती हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट। अच्छा, और बुजुर्ग वगैरह बैठ सके इसके लिए कुर्सियां वगैरह कुछ होंगी अंदर थक जाए तो? जी जी, मतलब जो भी रहेगा उन सबके लिए उनकी अरेंजमेंट किया जाएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है सीनियर सिटीजन को किसी को, तो उसके लिए लोग रहेंगे उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा मैडम, एंट्री जो है आम आदमी के लिए किस डेट से रखी गई है? 31 जनवरी से है। गेट नंबर से रखी गई राष्ट्रपति भवन की? जी, कौन से गेट नंबर से? गेट नंबर 35 से रहेगा ना, जो वॉक इन करेंगे लोग 35 नंबर गेट से। हाँ जी, 35 नंबर गेट के बाहर। उसमें कियोस्क भी रहेंगे, उसमें वो अपनी डिटेल डाल के आराम से एंटर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। और अगर कुछ लोग ऐसे दिव्यांग आते हैं तो व्हील चेयर वगैरह उनको गेट पर मिल जाएगी क्या? उसमें रहेगा, हाँ उसमें अरेंजमेंट रहेगा, रैंप वगैरह भी है उसमें, तो उसमें जो भी उनको रिक्वायरमेंट रहेगी वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जरा थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि अंदर देखने लायक क्या क्या चीजें, जैसे ट्यूलिप का गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है।
तो थोड़ा इसमें बताएंगे? अलग अलग, हाँ अलग अलग गार्डन्स हैं और 12 यूनिक वेराइटीज इस बार ट्यूलिप्स की लगाई हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्यूलिप्स उसमें रहेंगे, हजारों ट्यूलिप्स हैं, तो वो अलग अलग फेज में आएंगे वो ट्यूलिप्स के फ्लावर्स जो हैं। और उसके अलावा इस बार नई चीज की गई है, जो QR कोड सारे पेड़ों, सब पेड़ों पे, फ्लावर्स पे, पौधों पे, सब पे लगा दिए हैं, और 300 के करीब अभी लग गए हैं और बाकी भी लग रहे हैं, उसकी प्रोसेस चल रही है। तो उसमें सब लोग अपने मोबाइल पे स्कैन कर सकते हैं QR कोड, और उन्हें उसके उस फूल के बारे में या उस पौधे के बारे में और जानकारी उसमें मिल जाएगी सारी। अच्छा, QR जी कोड अगर हम स्कैन करते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। हाँ, उसका टाइप क्या है, नाम क्या है, और उसके बारे में पूरा पैराग्राफ उसमें आता है कि जी, क्या क्या आप उसकी मतलब डिटेल्स है। तो जी ट्यूलिप गार्डन से आगे जो रोज गार्डन है उसमें कोई नई वैरायटी है? वही एलिजाबेथ वगैरह और सब पुराने वैरायटी वाले ही हैं। नहीं, आप इसमें आइए, विजिट कीजिए, उसमें बहुत सारी वैरायटीज और भी हैं नई नई। हाँ, उसके बाद फिर सर्कुलर गार्डन भी जी, देखने लायक है इस बार। हाँ, सर्कुलर गार्डन है, हर्बल गार्डन है, और हमारा लॉन्ग गार्डन सारे हैं। अच्छा, लॉन्ग गार्डन, जी स्पिरिचुअल गार्डन वगैरह सब हैं। जी जी उसमें एक वो टेक्टाइल गार्डन भी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग उसको विजिट कर सकते हैं, वो भी है, बोनसाई गार्डन सब है। अच्छा, आपने जी जी बताया कि आपने QR कोड पेड़ों पर लगाए हैं, इसके अलावा जी और क्या नई चीजें आप इस बार कर पाए हैं? जी एक हमने एक नई चीज की है कि इस बार कुछ यंग प्रोफेशनल्स को रखा गया है, तो वो 20 के आसपास यंग प्रोफेशनल्स डेली वहां पे रहेंगे, तो लोगों को गाइड करेंगे, और लोगों को कुछ भी अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए पेड़ पौधों के बारे में जो यहाँ पे हैं, वो बच्चे प्रोवाइड करेंगे उनको। यंग लड़के लड़कियां हैं वो वहां पे रहेंगे गार्डन्स में, और लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें गाइड करेंगे। मैडम, ये जो गाइड तो जी करेंगे लेकिन सेलिंग पॉइंट भी है, कोई हाँ खाद वगैरह जैसे आप लोग जी, पहले बेचा करते थे, क्या खाद चीज? सेलिंग पॉइंट भी बनाया, कोई खाद वगैरह कोई खरीदना चाहे वहां से? अच्छा, नहीं, सेलिंग का तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विजिट करने के लिए ही है गार्डन को। सेलिंग का नहीं, गाइड जी कर सकते बाकी हैं। समझे जिन नहीं। घरों में जगह कम है वो कैसे गार्डन लगाए, हाँ हाँ बताने के लिए कुछ इंतजाम किया हाँ गया? हाँ वो सब चीजें आपको बताएंगे लोग यहाँ पे ना, हाँ जी, हमारे गार्डन के इंचार्ज भी हैं और ये यंग प्रोफेशनल भी हैं, वो सब इसीलिए हैं कि कुछ भी लोगों को और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि खुद गार्डनिंग कैसे करें और वो करें, उसके लिए भी है, अच्छा तो सब एक और था बताएंगे। कि जी इरिगेशन का एक सिस्टम था कि आप घर से बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम था, वो पानी ये खुद सप्लाई करता है, वो भी सिस्टम अभी इस बार डिस्प्ले पे है कि नहीं? ये सब तो मेरे परव्यू के बाहर है ये अच्छा सब अच्छा चीजें। हाँ, और नई चीजों में आप और क्या बताना चाहेंगे? नई चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबसे मेन चीज यही है कि इस बार हम लोग और इसको और एक्सेसिबल बना रहे हैं लोगों के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए उसमें, जैसे ऑनलाइन बुकिंग के भी स्लॉट्स बढ़ा दिए, फिर QR कोड्स वाला है, फिर एंट्री में भी हमने सेल्फ सर्विस कियोस्क इस बार लगाए हैं, लोग अपनी डिटेल्स डाल के खुद ही उनके नाम की स्लिप वगैरह आ जाएगी, ताकि उन्हें टाइम कम लगे, जो क्यू में टाइम ज्यादा लगता था बाहर खड़े होके, वो टाइम को भी बचाने के लिए वो किया गया है। जैसे और बाकी एटीएम हाँ एटीएम स्टाइल में खुद ही वो बटन दबाकर अपनी हाँ वो एंट्री। अपना नाम वाम डाल देंगे उसमें, तो पूरा उनका वो स्लिप आ जाएगी, और उसके थ्रू वो दिखा के उस स्लिप को एंटर कर सकते हैं। और अच्छा उसके अलावा अंदर तो इंतजाम रहेंगे ही, जो सारे बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अच्छा एक आखिरी बात जी मैं नाविका जी पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बताया कि क्या क्या ला सकते हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक की है, क्या क्या नहीं ला सकते वो भी बताइए जरा, किन चीजों के साथ उनको एंट्री नहीं करनी? मतलब जैसे पहले होता था कि कोई जी धारदार हथियार ला सकते या कुछ ऐसी चीजें। नहीं, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं ला सकते, मतलब यही चीजें अलाउड हैं जो मैंने आपको बताई हैं मेनली, उसके अलावा बाकी चीजें अलाउड नहीं है, है ना? बाकी प्रेस नोट है उसमें और डिटेल्स में सारा लिखा हुआ है। अच्छा, किसी तरह का जी आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड वगैरह की जरूरत पड़ेगी वहां अंदर आने के लिए, लेकर आए लोग? सबके लिए ओपन है वैसे, लेकिन फिर भी आई कार्ड रखेंगे तो बेटर रहेगा, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है एंट्री में तो ठीक है, उनके होना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए। जी बाकी ऑनलाइन बुकिंग रहेगी, बुकिंग का रेफरेंस रहेगा उनका। जी जी नाविका जी, आपने चलिए समय निकालकर हमें ठीक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति भवन की प्रवक्ता नाविका गुप्ता, जो बता रही थी कि 31 जनवरी से 26 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा, गेट नंबर 35 से एंट्री है, और कई नई चीजें बताई हैं जो अंदर जानकारी आप वहां जाकर ले सकते हैं। तो खुशनुमा माहौल में एक बार आप जरूर होकर आइए। अगले कार्यक्रम में किसी और चलिए हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।